चटनी उठा ली। चटनी है क्या, मुझे देना जरा। वैसे तो अपनी प्लेट में सब कुछ हो गया, पूरी भी हो गई, टिक्की भी हो गई, जलेबी भी हो गई। अरे हाँ, गुलाब जामुन रह गया यार। गुलाब जामुन और रख लो प्लेट में। अरे मैं अपनी चटनी नहीं दूंगा मोदी जी, वो कॉर्नर पे चटनी मिल रही है, ले लो जाके। और ये बताओ प्लेट में कहीं पर जगह बची हुई है जो गुलाब जामुन रखोगे? एक बात ये बताओ, कोई देख तो नहीं लेगा अपनों को, अपना बिना निमंत्रण पत्र से इस शादी में घुसाएं आपके कहने पर, कुछ होगा तो नहीं? कैसी बेतुकी बात कर रहे हो राहुल, ऐसी जाने कितनी शादी मैंने खाई है बिना निमंत्रण पत्र से। अरे इतने लोग खाने के लिए आते, कौन किसको पहचानेगा? लड़के की साइड वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़की वालों की तरफ से, और लड़की वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़के वालों की तरफ से। कोई किसी को नहीं पहचानता, मैं तो हजारों शादी ऐसी खा चुका हूँ बिना निमंत्रण पत्र से। अरे मेरे तो मुंह में खाना ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ बिना निमंत्रण पत्र से खाने के लिए। कहीं कोई रिश्तेदार ना मिल जाए, पहचान ना ले मुझे। अरे लालू जी, वो तीन लोग कोने में ओवरलोड प्लेट में खा रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ से आए हुए हैं? देखो ये मेरे दोस्त के लड़के की शादी है, और उसने मुझसे पूछकर ही सारे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया है। ये तीन लोगों को तो मैंने दिलवाया नहीं है निमंत्रण पत्र, लड़की वाले तुम्हारे दोस्त हैं। क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी तरफ से आए हुए हैं? देखो योगी जी, लड़की वालों के सारे रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये उनमें तो कोई लग नहीं रहे। ऐसा करो पास में चल के निमंत्रण पत्र मांगते हैं इनसे, चलो। और भाई साहब पहले ये बताओ खाना कैसा है? राहुल ये खाने को पूछ रहे हैं, यानी कि ये लड़की वालों की तरफ से है। हाँ भाई साहब, खाना तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप किसकी तरफ से आए हो, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? अरे वो हम अरे हम लड़के वालों की तरफ से है। लड़के के पिता तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं सारे उनके रिश्तेदारों को जानता हूँ, आपका इनविटेशन तो हुआ नहीं था। अरे राहुल तुम भी जाने क्या क्या बक देते हो, अरे हम लड़की वालों की तरफ से हैं। भाई साहब ये गलत बोल गया जल्दबाजी में। और लड़की के पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ, आप पहले निमंत्रण पत्र दिखाओ। अरे निमंत्रण पत्र तो घर रह गया। अरे हम सब समझ गए तुम्हारी बात को। अरे कम से कम आराम से खा लेते, अगर तुम्हारा निमंत्रण नहीं था, कोई खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा था, आराम से खाओ, तुम भी हमारे मेहमान हो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।